एक्चुअली मेरे को करण जौहर से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो एक एग्रेसिव औरत छुपी हुई है वो शायद बाहर आ गई इससे। मैंने देखा यार इतनी गालियाँ, मतलब बाप रे बाप, इतनी फैमिली फिल्म बनाते हैं, कभी खुशी कभी गम, और उसके बाद ऐसी गालियाँ दी उन्होंने। गालियाँ तो मैं भी देता हूँ, सब देते हैं, लेकिन यार वो एक जगह होती है गाली देने की। अपने माँ बाप के सामने आप गाली नहीं देते हो, फैमिली बैठी है वहाँ नहीं देते हो। क्या हिंदुस्तान के बच्चों को बिगाड़ना चाह रहे हो क्या? क्या चाह क्या रहे हो? मैं ये नहीं बोलूँगा मैं गाली नहीं देता हूँ, मुझे भी आती है भाई। मैं बोलूँ गाली तो आदमी के कान से खून गिर सकता है, समझे कि नहीं? लेकिन वो एक जगह होती है, कोई आपको कोई गाली दे रहा है तो आप उसको गाली दे सकते हो, झगड़ा हो गया तो। कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है तो कभी निकल जाती, लेकिन आप इस तरह बड़े मंच पे बैठ के लोगों को गालियाँ नहीं सिखा सकते हो भाई। हिंदुस्तान की आवाम को आप क्या सिखाना चाह रहे हो?